बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने का, सलीका सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। दोस्तों, आज हम आपको बरेली शहर में मुकद्दस दरगाहें दिखाएंगे। हमें ये मौका दिया है अल्लाह तबारक व ताला ने। आज हम बरेली शहर में दरगाह शरीफों की ज्यारत कर रहे हैं और आपको भी ज्यारत करा रहे हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये खवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। शाह दाना वली की मजार शरीफ हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह, अंदर का व्यू भी आपको दिखाएंगे। शाह दाना वली की बहुत सी करामातें हैं, ये आप बराबर में देख सकते हैं। ये मस्जिद है। कहा जाता है शाह दाना वली के कहने पर ही बरेली शरीफ के पास में गंगा नदी आई थी। शाह दाना वली की मजार अंदर की दरगाह का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता। दोस्तों, शाह दाना वली का उर्स 11वीं शरीफ के महीने में इनका उर्स होता है। आपको भी कभी मौका मिले तो यहाँ पर बलियों की बारगाह में हाजिरी देने जरूर आना। यहाँ पर बहुत ही लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। इनके फैज का दरिया बहता ही रहता है। शाह दाना वली के मजार शरीफ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शाह दाना वली के फैज का दरिया आम है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर इनका फैज याब जारी है। सभी यहाँ पर आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।